हेलो दोस्तों, आज हम बात करेंगे दुनिया के सबसे बड़े सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म फेसबुक की, जिसमें फेसबुक से रिलेटेड कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट मैं आपको बताऊंगा। तो चलिए शुरू करते हैं। फेसबुक 2004 में मार्क जुकरबर्ग ने स्टार्ट किया था अपने दोस्तों के साथ मिलकर, जब वो हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में पढ़ते थे। स्टार्टिंग में ये सर्विस सिर्फ हार्वर्ड स्टूडेंट्स के लिए थी, बाद में और कॉलेज के भी स्टूडेंट्स को इसमें ऐड किया गया, लेकिन पब्लिक के लिए ये 2007 में स्टार्ट हुआ था और हाल ही में इसने अपने 10 साल पूरे किए हैं। हम में से काफ़ी कम लोग जानते होंगे कि फेसबुक PHP में बना है, लेकिन ये नॉलेज गलत है। फेसबुक जो है तीन लैंग्वेज का कॉम्बिनेशन है, PHP, C++ और D लैंग्वेज, जिसमें D लैंग्वेज जो है वो C++ के कोर फीचर्स पे आधारित है, जिसको रीडिज़ाइन किया गया है। और भी कई फीचर दूसरी लैंग्वेज से जैसे जावा, पाइथन, C#, रूबी, इन सब से लिए गए हैं डी लैंग्वेज बनाने के लिए। इसी वजह से फेसबुक ज़्यादा सिक्योर है। फेसबुक हर तरह के डिवाइस के लिए अवेलेबल है, चाहे वो स्मार्टफोन हो, चाहे वो टैबलेट हो, चाहे वो लैपटॉप हो, चाहे वो डेस्कटॉप हो, फेसबुक सभी के लिए अवेलेबल है। इसीलिए फेसबुक के 2 बिलियन यूज़र्स हैं, जिसमें ज़्यादा से ज़्यादा यूज़र 13 से 18 साल के हैं। फेसबुक ने 2011 में FB नाम का डोमेन 8.5 मिलियन में ख़रीदा। 2014 में FB ने अपने राइवल व्हाट्सएप को 19 बिलियन में ख़रीदा। अब आप सोच रहे होंगे कि फेसबुक इतना पैसा लाती कहाँ से है, ये मैं अपने नेक्स्ट पॉइंट में कवर करता हूँ। रेवेन्यू, फेसबुक ने जब स्टार्ट किया था तब इसके पास काफ़ी कम रेवेन्यू होता था, जैसे कि 2005 में सिर्फ 9 मिलियन डॉलर, लेकिन धीरे धीरे इसने अपना रेवेन्यू बढ़ाया है क्योंकि इसके पास यूज़र बेस बहुत अच्छा है। इसीलिए फेसबुक के पास जो पैसा आता है वो एडवर्टाइजमेंट से आता है, और फेसबुक का ऐसा कहना है कि उनके एडवर्टाइजर्स की काउंटिंग 2 मिलियन है, और फेसबुक एक ऐड को डिस्प्ले करने के लिए $1 लेती है। 2 मिलियन एडवर्टाइजर से उनके पास काफ़ी पैसा आता है, और ये 2 बिलियन एडवर्टाइजर्स हैं, ये स्मॉल बिजनेसेस चलाते हैं। फेसबुक का 2009 का रेवेन्यू 775 मिलियन डॉलर, और ऐसे ही 2016 में फेसबुक ने 27 बिलियन डॉलर रेवेन्यू जनरेट किया था। फिफ्थ फैक्ट, हम में से काफ़ी कम लोगों को ये पता होगा कि फेसबुक का रंग नीला क्यों है, क्योंकि मार्क जुकरबर्ग, उन्हें रेड ग्रीन कलर ब्लाइंडनेस है। फेसबुक हर जगह है, दुनिया का ऐसा कोई भी देश नहीं है जहां पर फेसबुक ना चलती हो, लेकिन आपको जान के हैरानी होगी कि फेसबुक चाइना में बैन है। वहां के लोग फेसबुक यूज नहीं करते, उसकी जगह वो वीचैट और लाइन मैसेंजर यूज करते हैं। सो थैंक यू फ्रेंड्स।